यहाँ पर हारमोनियम घाट की स्ट्रीट में हर घर घर गली गली में माताएं बहने हमारी खड़ी हुई है। सबके गली दरवाजा हर जगह छिड़काव किया गया है। और उत्तर कोलकाता जय हिंद वाहिनी के उपसभापति श्री तारकेश्वर दुबे के नेतृत्व में वार्ड नंबर 45 के विभिन्न इलाकों में सफाई अभियान के अंतर्गत मलेरिया और डेंगू से बचाव के लिए कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया गया एवं इलाके के गली और चौराहों की सफाई भी की गई। वार्ड नंबर 45 के जय हिंद वाहिनी के सभापति शैलेश मिश्रा के साथ सलमान सिद्दीकी, विनोद ओझा, मोहम्मद शमशुल समेत अन्य कई लोग भी इस मुहिम में शामिल थे। इस बारे में तारकेश्वर दुबे और शैलेश मिश्रा ने सिटी लाइफ को क्या कहा, आइए सुनते हैं। जी तारकेश्वर दुबे जी, जब से आपने उत्तर कोलकाता जय हिंद वाहिनी की उपसभापति का चार्ज संभाला है, तब से आप वार्ड 45 में बहुत सक्रिय होकर काम कर रहे हैं शैलेश मिश्रा जी के साथ मिलकर, और देखा जा रहा है कि 15 तारीख को भी आप लोगों ने पूरे वार्ड में सफाई अभियान चलाया और आज भी 25 तारीख है, आज भी आप लोगों ने वार्ड के विभिन्न इलाकों में 4 घंटे तक मुहिम चलाई, सफाई मुहिम। तो आपका उद्देश्य क्या है? ये 45 नंबर वार्ड में काम करने का एक जज्बा हमारा ये है कि मैं यहाँ का वोटर हूँ, यहाँ का नागरिक हूँ। दूसरा क्या है कि मैं 40 साल हो गया समाज की सेवा करते, तो वो समाज के बैनर पर करता था। अभी मैं ममता बनर्जी, कार्तिक बनर्जी के निर्देश पर मैं पार्टी के बैनर पर काम कर रहा हूँ। ये सफाई अभियान तो काम है काउंसलर का, हर वार्ड में काउंसलर साथ में लेकर सफाई कर्मियों को काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको देखा जा रहा है, शैलेश मिश्रा जी को देखा जा रहा है, तो इसके पीछे का क्या जज्बा है आपका? काउंसलर का काम है, वोट हमारे टीएमसी का है, सारी खर्च वार्ड के लिए हमारी सरकार करती है, टीएमसी करता है, लेकिन वो जो यहाँ का काउंसलर साहब हैं उनको भाता नहीं, वो बड़े आदमी हैं, वो रोड गली रास्ता उनको देखने का कोई मतलब नहीं है। सफाई वगैरह कोई डेंगू से मरे, चाहे मलेरिया से मरे या कुछ भी आपदा हो, उनसे उससे कोई रास्ता नहीं है। काउंसलर हो गए वो हो गए, काम इसलिए वो नहीं करते हैं कि हमारी सरकार का नाम होगा। हमारे सरकार के प्रति, टीएमसी पार्टी के प्रति लोगों की आस्था लगेगी, इसलिए वो काम नहीं करना चाहते। तो हमको अपने पार्टी को, अपने संगठन को बढ़ाने के लिए इसके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, इसलिए कि जनता को, जनता का कोई भी दुख सुख हो, कोई भी तकलीफ हो उनको ना हो। जिससे कि अभी एक महीने के अंदर में 2 मृत्यु हो गई, एक डेंगू मलेरिया से हुई, एक का रिपोर्ट नहीं मिल पाया कि किससे हुई, लेकिन उसको भी बुखार ज़्यादा होता था, मलेरिया टाइप का ही सिम्टम था उसका, मृत्यु हो गई उसकी। तो 2 लोगों की मृत्यु हो गई, तो हमारे दिल में, दिल हमारा दहला। मैं अपने छोटे भाई शैलेश मिश्रा से बात किया, भाई देखो कुछ ऐसा काम करो ताकि यहाँ के जो हमारे हॉकर भाई हैं, हमारे मोटिया भाई हैं, हमारे यहाँ के लोग नागरिक हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनके पास इतना सुविधा नहीं है कि जो सोची सोच सके, तो अपनी तरफ से ही कुछ व्यवस्था ऐसी की जाए, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव हुआ, ब्लीचिंग हुआ, मेडिकल कैंप हुआ, सारी चीज़ें। तो हमने अपने जिला सभापति से बात किया, श्री कृष्णा प्रताप सिंह से, उन्होंने कहा बहुत अच्छा काम है भाई, ये तो लाखों में एक कोई कर पाता है, तो अगर करते हो तो जो भी हमारी तरफ से भी सहयोग ये बताओ करेंगे। तो इसी बात पर हमने ये सब काम को शुरू कर दिया, और बीच में एक दिन कालीघाट से भी बुलावा आया था मेरा, कार्तिक बनर्जी ने बुलवाया था इस काम को ही लेकर के कि बहुत अच्छा काम करें, बहुत अच्छा स्थानीय काम कर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत सारा प्रोत्साहित किया मेरे को। तो काम अच्छा करना है, जनता की सेवा में रहना है, दीदी के हमारे कहना है कि हर समय आप जनता के साथ रहिए, आप लोग राजनीति बात कम करिए लेकिन जनता के दुख सुख में लगे रहिए, तो इसलिए हम जनता की सेवा में लगे हुए हैं, बाकी और कोई इंटेंशन ऐसा नहीं है। किसी का तकलीफ अगर हमारे से निवारण हो सकता है तो ये मानवता कहती है कि उसको पहले करना चाहिए। शैलेश मिश्रा जी, आप जय हिंद वाहिनी के वार्ड 45 के सभापति हैं और आपके नेतृत्व में पहले से ही वार्ड में काफ़ी काम हो रहा, जब से
नागेश्वर दुबे जी ने चार्ज संभाला है उत्तर कोलकाता के उपसभापति का, तब से आप लोग बहुत सक्रिय होकर काम कर रहे हैं और आज भी देखा गया है कि आप लोग सफाई अभियान में बहुत अच्छी तरह से जुटे रहे अपनी टीम को लेकर, क्या बोलना चाहते हैं इस बारे में? पहला बात है कि नागेश्वर दुबे जी के आने से हम लोग का बहुत साहस मिल गया है। चुरंगी में जो आए हैं इसके लिए बहुत हम लोग को ताकत मिल गया है, ये काम करने के लिए बहुत इच्छुक है। हर 45 वार्ड जनता का काम करने के लिए हम लोग को पूरा साहस देते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सरेश तुम काम करो, हम तुम्हारे संग में हैं। और हमारे नेता कृष्ण प्रताप सिंह का निर्देशानुसार 45 वार्ड में हर कुछ काम होता है। दुबे जी को आने से हम लोग का मनोबल और ऊपर ताकत हो गया है कि इतना साहस देते हैं काम करने के लिए, इच्छुक है कि हर पब्लिक के पास जाने से इनका नाम आता है कि दुबे जी के नेतृत्व में यह अच्छा काम हो रहा है। मेरा तो कर हम तो 45 वार्ड तृणमूल कांग्रेस का हम लोग करता है, सिपाही है, जैसा हम लोग का ऑर्डर मिलेगा वैसा हम लोग काम करेंगे। सच्चा सिपाही है, सच्चा सिपाही रहेंगे, ऑर्डर मिलेगा वो काम हम लोग करते रहेंगे, और क्या चाहिए। आने वाले दिनों में और इस तरह के क्या क्या कार्य, जैसा हम लोग का निर्देश आएगा हमारा नेता कृष्ण प्रताप सिंह और हमारे नेता तारकेश्वर दुबे जी के नेतृत्व में जैसा निर्देश आएगा वैसा हम लोग काम करेंगे। हमारा टीएमसी जय हिंद वाणी का कार्यकर्ता निर्देश से ही काम करता है, जैसा निर्देश आएगा हम लोग काम करेंगे। धन्यवाद।